नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई अरविंद सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पंखीजा डेयरी फार्म, जो कि आष्टा मध्य प्रदेश स्टेट में है और डिस्ट्रिक्ट लगती है सीहोर। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, आज आपके लिए मैं मेरे गाय का शाम का टाइम है और वीडियो लाया हूँ आज मैं मिल्किंग का वीडियो। और मैंने एक भाई ने बोला था कि प्रैक्टिकली आप कैसे आपकी गायों को खिलाते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे मैं अपनी गायों को फीड करके और दूध निकालता हूँ। तो देख सकते हैं जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, मिल्किंग का वीडियो है और कैसे खिलाता हूँ ये। तो देख सकते हैं आप, ये जो मेरी गाय अभी आपके सामने बंधी थी और स्क्रीन के सामने अभी हमारे छोटे भाई जो कि सुजल सिंह ठाकुर आपके सामने देख सकते हैं आप, ये जो एक मैंने जो बोला था आपको कि सिर्फ एक टब इतना, ये है क्वांटिटी मेरे गायों को तीन टाइम जो मैं खिलाता हूँ उसमें से एक टब, ये तीन टाइम एक एक टब देता हूँ। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई। और रही बात हरा चारा की, तो वो मेरे डेयरी फार्म पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि सिटी में होने के कारण यहाँ पर हरा चारा नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, ये एक टब हरा, ये एक टब जो सूखा गेहूं का भूसा है ये मैं एक टाइम में देता हूँ, तो सुबह दोपहर और शाम को। तो ये शाम का समय है, 6:30 बजे है और आप सभी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिख सके। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, ये एक टब हमारी गायों को हम क्वांटिटी पटकते हैं, ये देखिए ये एक टब बिल्कुल, बस ये एक टाइम में हम इसको देते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये जो है ये इसका हमने कॉन्सेंट्रेट फीड बाटा जिसको बोलते हैं वो हमने गला के रख दी थी, तो गला के रखने के बाद इसकी क्वांटिटी इतनी है, ये टब जो दिख रहा था इतनी। और अब हम हमारी गाय जो है जिसकी मिल्किंग का मैं वीडियो बताऊंगा आपको, उस गाय को हम छोड़ के बाहर से जहाँ पर ये बगोल करती है, जहाँ पर जुगाली करती है, कच्ची जगह में जहाँ बनती है वहाँ से छोड़ के अभी हम इसको अंदर लाके और अंदर बांधेंगे। देख सकते हैं आप सभी किसान भाई इसकी हेल्थ, जो कि बिना हरे चारे के बावजूद भी, और ये अभी 8 दिन पहले जो जनी थी ये वही क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये फ्लैश लाइट ऑन। तो इसके अडर की क्वालिटी जो है वो आप सभी किसान भाई ने देखी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अडर इसका डेवलप कर चुकी है ये। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि देखना, इसको मैं इसके अंदर एक टब, ये खाली कुंडा है और इस खाली कुंडे के अंदर ये एक टब जो सुखला है ये इसके अंदर मैं अभी डाल दूंगा। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, चैनल को हमारे लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और कमेंट में कुछ भी सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका जो बाटा कॉन्सेंट्रेट फीड जो थी, ये इसको हम इतनी फीड जो रहती है गली हुई है और ये इसके कुंडे में हम डाल देंगे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर पूरा वीडियो बना के डाल रहा हूँ मैं, इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे देते हैं। और ये केड़ा छोड़ दिया है इसको, और ये एक बाल्टी जो सामने देख रहे हैं आप, पानी की बाल्टी भर के हमने इसके कुंडे में डाल दिए। सबसे पहले सुखला डाला, उसके बाद हमने इसके अंदर फीड डाली जो खिलाते हैं पशु आहार, और जो भी हम उसमें मिक्स करके जो चूरी वगैरह देते हैं उसको गला दी थी। और ये आपके सामने खाली बाल्टी आप देख सकते हैं। अब इसकी मिल्किंग हम स्टार्ट करेंगे और ये थन हमने इसके धो लिए हैं, देख सकते हैं सभी किसान भाई, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, इसमें आपको बिल्कुल कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। और सुखला डाला, सुखले पे कॉन्सेंट्रेट फीड डाली, उसमें एक बाल्टी पानी डाली और अब आपके सामने मिल्किंग चालू कर रहे हैं। खाली बाल्टी आपको दिखा दी है, देख सकते हैं सभी किसान भाई ये मिल्किंग स्टार्ट कर चुके हैं और दोनों तरफ से इसकी मिल्किंग कर रहे हैं, ताकि गायों को, जो ज़्यादा दूध वाली गाय रहती है उनको दोनों तरफ से मिल्किंग करने का ये सबसे मेन चीज़ होती है कि एक तो दूध जल्दी निकल जाता है और उसके बाद गायों को आदत रहती है। बाई चांस होता क्या है कि जैसे ज़्यादा दूध रहता है और ज़्यादा दूध होने के कारण क्या है, समय भी बहुत लगता है और दो जने मिलकर एक साथ करेंगे तो दूध भी ज़्यादा निकलेगा। तो
देख सकते हैं आप, अभी इसकी मिल्किंग स्टार्ट कर चुके हैं हम। शाम की 6:30 से ज़्यादा अब हो चुकी है और एक मिल्किंग का वीडियो अगर कोशिश करूँगा अगर सुबह बन सके 7 बजे, 6:30-7 बजे के आसपास जो भी टाइमिंग पे बन सके मैं कोशिश करूँगा आपको कि इसका सुबह का मिल्किंग का वीडियो भी बताऊँ, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि ये एक टाइम में इसका दूध कितना देती है। और ये 8 दिन की जनी हुई गाय है और जो बाल्टी आप जिसमें दूध निकाल रहे हैं ये है लगभग 10 लीटर की बाल्टी ये है, और एक और बाल्टी मैंने साथ में रख रखी है जो कि 7 लीटर की बाल्टी है। तो मैं 2 बाल्टी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि गाय कभी मच्छर और किसी मक्खी के कारण अगर गलती से थोड़ा बहुत पाँव हिला दे या कुछ हो जाए तो बाल्टी ना ढूले, और किसान जो सुबह से शाम तक जो मेहनत करता है उसकी मेहनत जो है वो दूध जो डेयरी में नपाता है वही उसकी मेहनत का आउटपुट है, वही उसका रिज़ल्ट है। तो उसको उस रिज़ल्ट को कायम बनाए रखने के लिए 2 बाल्टी का मैं यूज़ करता हूँ। तो देख सकते हैं आप ये जो 10 लीटर वाली बाल्टी है इसमें स्टार्टिंग करी है मैंने दूध की। और किसान भाइयों से निवेदन है मेरा कि आप हमारी वीडियो को जो भी किसान भाई देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, कुछ सजेशन देना हो आपको तो दे सकते हैं आप। तो ये मिल्किंग कंटिन्यू होती हुई और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, और आपकी डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरी गाय कितना दूध देती है। क्योंकि बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि 10 लीटर देती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यार हो सकता है नहीं देती और खाली बोलते हैं, तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर झूठ का कोई भी 1% भी झूठ की कोई बात नहीं है, जो भी है आपकी आंखों के सामने है। तो आप सभी किसान भाई को मैं क्लियर करके बिल्कुल बताऊंगा, और आप खुद सिर्फ अनुमान लगा लीजिएगा कि ये कितना लीटर दूध होगा। मैं नापूंगा नहीं, लेकिन मैंने आपको एक अनुमान बता दिया है कि एक 10 लीटर की बाल्टी और एक 7 लीटर की बाल्टी है, और शुरू में मैंने जो कीड़े को पिलाया था दूध वो, और इसके अलावा भी मैं लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम लगभग 1.25 लीटर के आसपास ये जो दूसरी बाल्टी देख सकते हैं आप, ये दूसरी बाल्टी का यूज़ कर चुका हूँ मैं, और दूसरी बाल्टी के अंदर भी अब दूध चालू कर दिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो 1.25 लीटर के आसपास में मेरे कीड़े के लिए अलग से और निकाल लेता हूँ दूध, ताकि उसका भी स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही बरकरार रह सके। और उसके अलावा भी मेरे पास जो एक फीमेल काफ है जो इसके पहले मैं गाय लाया था, और उससे भी जो पहले मैंने एक गाय खरीदी थी जो मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, जो मैंने 53,500 में कुछ ऐसे में खरीदी थी, तो उस गाय की जो मेरे पास फीमेल काफ है उसके लिए भी मैं इसी गाय का दूध अभी निकाल देता हूँ, और इस गाय का दूध उसी को मैं डायरेक्ट लीटर से उससे निकाल के और टब के अंदर डाल के पिला देता हूँ। तो मैं टब में पिलाने का मेरे इस कीड़े को भी मैंने टब में पिलाना सिखा दिया। उसका मेन कारण ये है कि उससे थन नहीं कटते हैं, जो अपनी गाय रहती है उसका अपने को दूध का भी अनुमान लगता रहता है, और अपन नाप के तोल के और दूध पिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थन भी नहीं काटेगा और समझ में भी आ जाएगी कि अपनी गाय लगभग इतना दूध कम दे रही है या ज़्यादा दे रही है, या उससे अनुमान लग जाता है। तो ये जो दूसरी वाली बाल्टी है इसमें अभी दूध निकलता हुआ तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, बहुत ही जल्द ही दूध की मिल्किंग कंप्लीट होगी। और आपको मैं इसमें तोल के तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि ये कितना लीटर दूध आपके हिसाब से होगा। मैंने सिर्फ एक आपको अनुमान बता दिया है कि एक 10 लीटर की बाल्टी है और एक 7 लीटर की बाल्टी है, इन दोनों को मैं एक बाल्टी में कर दूंगा कीड़े और मेरी जो है फीमेल काफ है कीड़ी उसका दूध निकालने के बाद। तो देख सकते हैं ये 7 लीटर वाली बाल्टी भी कंप्लीट हो गई है, और बाकी का एंड के लिए मैं एक डिब्बा यूज़ कर रहा हूँ ताकि किसी कारणवश अगर गाय पाँव उठा ले तो अपने जो दूध है वो ढुले ना, इसलिए मैंने दोनों बाल्टी को अलग करके और इसके अंदर मैंने दूध आखिरी का जो बचा है वो भी निकाल रहा हूँ। इतना दूध पूरा जो किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को वो इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि आखिरी तक का दूध निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे मेस्टाइटिस या
जिसको अपन थनेला रोग बोलते हैं, दूध बचा हुआ अंदर थनों में नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से थन खाली होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की इसमें मेस्टाइटिस होने का कोई चांस नहीं रहे। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, आप सभी की डिमांड पर ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अदरवाइज जो मिल्क रहता है उसको नापता नहीं हूँ मैं कभी भी, डायरेक्ट जो डेयरी पे जाता है वहीं नापता है वो। तो सिर्फ आपकी जितने भी किसान भाई हैं उनकी डिमांड के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जो कि सीमन की इन्फॉर्मेशन का रहेगा। मैं आप सभी किसान भाई को उन एक सीमन की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि एमपी के अंदर अवेलेबल करवाते हैं, एक हमारे मित्र हैं जो सभी प्रकार के सीमन अवेलेबल करवाते हैं, तो उसका भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना के और आप सभी किसान भाई को उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप, लगभग लगभग हमारी जो मिल्किंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आखिरी की जो देख सकते हैं आप, ये लास्ट लास्ट का जो दूध है ये भी हम इसमें डिब्बे में निकाल लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का दूध उसमें बचे नहीं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी सोच है। क्यों? क्योंकि जैसे अपने एमपी में तो एचएफ काऊ की मिल्किंग के कभी भी कंपटीशन होती नहीं है, पंजाब हरियाणा में ही इस प्रकार की गवर्नमेंट सुविधा निकालती है कि जैसे मिल्किंग की कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन और ये सब होती है, तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत मायने रखती है कि आखिरी तक का दूध वो निचोड़ लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध रिकॉर्ड हो सके। तो ये एक नॉर्मल लाइव रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी के सामने, ये कोई कंपटीशन तो है नहीं लेकिन फिर भी आप सभी किसान भाई को मैंने बता दी है। तो मिल्किंग हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और ये लगभग लगभग दोनों बाल्टियों में मैंने थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लिया है, और मैं लास्ट में पौन पौन लीटर दूध निकालने के बाद मैं और इसका मैं बताऊंगा आपको कि ये कितना आखिरी में बचा है। कीड़े को शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा पिला दिया था, इसमें से वो निकाल रहा था ना, मैं फिर वो कीड़ा कीड़ी का निकाल लो, पौन लीटर के आसपास मैं इसमें से निकाल लूँगा, और फिर निकालने के बाद मैं आप सभी किसान भाई को एक बाल्टी में करके और उसको मैं बता दूंगा। तो देख सकते हैं ये लगभग लगभग पौन लीटर के आसपास में इसमें से निकाल के देख सकते हैं आप सभी, ये दोनों में अलग अलग निकाल लिया मैंने ताकि ये मैं क्या है इतना केड़े केड़ी को पिला देता हूँ और उसके बाद में जो बचेगा वो इस बाल्टी में मैं डाल रहा हूँ। इससे आप अनुमान लगा लेना कि ये दूध कितना होगा। देख सकते हैं ये बाल्टी 10 लीटर की है, अब इसमें से मैंने लगभग लगभग 2.25 लीटर के आसपास दूध निकाल लिया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर रहे। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, धन्यवाद।